अले अले अले, कौन आले मामा के पास, कौन आले, आजा आजा दू, आजा। दू, या, यस, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाय भाई साहब। भाई साहब हेलो, ठंड में शॉल ओढ़े किधर जा रहे हैं भाई साहब? कह रहे आज मुझे आधे नाही नाही से निकाल के ले आई हो, पानी भी नहीं गया था अभी तक। या किचू हैज अ मैसेज, आई एम क्यूट, मॉम्स क्यूट, डैड्स लकी। किचू हाई फाइव, इस बात पे हाई फाइव दे दो। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये स्वेटशर्ट मैं लाई हूँ, नहीं सॉरी, ये स्वेटशर्ट बुआ ने भिजवाई थी, सुरभि बुआ ने। You know, she acknowledges the fact that Arjuna. Surya Devta बहुत मेहरबान है आजकल. Thank you. Kichu, say Suraj. Suraj. होप आप सब लोगों की लोहड़ी बहुत अच्छी रही होगी। हमने तो यहाँ कुछ किया नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज, जस्ट द थ्री ऑफ अस, सो यस, नो प्रॉब्लम। होली होली मनाएंगे, देखते कैसे। पापा पापा पांकु एमआईए है बहुत देर से। कहाँ से आ गए तुम्हारे हाथ में? पापा स्मार्टी बॉय मिलने आया आपसे। स्मार्टी बॉय ने सारा नमक गिरा दिया आज। इतनी शांति घर में, मैंने कहा कहाँ है। पूरे 30 सेकंड हो गए भाई की आवाज नहीं आई। पारी कर दो किसी पापा को, पारी कर दो पापा को, पापा को। अरे किचू कहाँ जा रहे हैं? किचू स्कूल जा रहे हैं? अरे किचू स्कूल जा रहे हैं? अरे 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 किचू स्कूल जा रहे हो तुम? अरे 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 किचू कहाँ जा रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज फ्राइडे हो चुका है मेरे ख्याल। हाँ, तो दिव्या का आज एक असेसमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल चलते हैं नीचे। अरे हाँ, वो मैं बताना भूलिए आपको, जो मैं यहाँ पे नेटवर्क यूज़ करता हूँ ना फ़ोन का, तो उसका नाम है थ्री नेटवर्क। तो थ्री नेटवर्क की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे लेजिटमेट डील्स दिखेंगे कि हाँ, आप £30 पर मंथ दो, आपको हम LG का टीवी देंगे, या फिर एक जो जैसे मेरे पास राउटर है इंटरनेट के लिए, 40,000 का राउटर है, वो हम आपको फ्री देंगे। तो पहले मैं उसके असेसमेंट करा चुका था, तो हम क्योंकि नए, हमारा क्रेडिट स्कोर नहीं है, तो हमको उन्होंने मना कर दिया कि आपको नहीं देंगे। लेकिन कल मेरे को फ़ोन आता है, एक स्कैम, कि यू नो आई एम कॉलिंग फ्रॉम थ्री नेटवर्क और योर नंबर इज एलिजिबल फॉर दिस, तो आपको हम टीवी भिजवा देंगे, ठीक है, और आपका ये नंबर है, ये है, और इतने वाला आपका भी पोस्ट पेड कनेक्शन चल रहा है। मैंने कहा हाँ, कहते तो आप एक काम करो, आपको बस £30 पे करने और हम टीवी भिजवा देंगे आपको। मैंने कहा कैसे भिजवाओगे, अभी तो आप थोड़े दिन पहले तो आपने बोला क्रेडिट स्कोर नहीं है और ये है, तो कहते नहीं अभी हमने चेक किया है तो आप एलिजिबल हो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तो भिजवा दो आप, ये तो अच्छा, मैं आपको कनेक्ट कर दूँ फिर डायरेक्ट डेबिट के लिए, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो। मैंने कहा पेमेंट क्यों करनी है, पोस्ट पेड हमारा ऑलरेडी डायरेक्ट डेबिट सेटअप हो रखा है कंपनी के साथ, तो आप अगले महीने काट लेना उसमें से पैसे £30। कहती है नहीं, वो इस बार अलग से करना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं करने वाला। उसको उसने फ़ोन काट दिया। तो बेसिकली ये भी एक स्कैम था। तो स्कैम जो हो रहा है ना, वो अराउंड वो सब चीज़ों के हो रहा है जो ऑलरेडी जेन्युइनली यू नो कंपनीज ऑफर कर रही हैं, तो वो उसी कंपनी का बन के फ़ोन करते हैं कि ये आपका ऑफर मतलब ऑब्वियसली आप अगर एक कंपनी का सिम कार्ड यूज़ करो तो आपको पता ही होगा ना कि अच्छा इसमें ये ऑफर चल रहा है, ये चल रहा है, तो उसी ऑफर को वो आपको फ़ोन करके बताते हैं कि हाँ हाँ ये चल रहा है, आप एलिजिबल हो। अब ये अगर आपको वो कनेक्ट कर दें, आप अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल डाल दो या जो भी,
तो पैसे भी कट जाएंगे और पता नहीं कितने काट लेंगे वो मुझे आइडिया भी नहीं है। तो ये इनका तरीका था कि किसी तरह आप अपना क्रेडिट कार्ड या कार्ड डिटेल्स इनको दे दो और पैसे ले लेंगे वो। तुझे तक 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 ते रहना, तेरी पक 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 सुनते रहना, काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना। ये तो है वेस्ट ऑफ टाइम, करना है वेस्ट ऑफ टाइम, कीजिए नो वेस्ट ऑफ टाइम, कीजिए नो वेस्ट ऑफ टाइम। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि दिव्या को तो अपना असाइनमेंट करना है, तो उसको अच्छा होगा कि अगर मैं कीचू को लेके बाहर कहीं निकल जाऊँ, कहीं खेलता हूँ उसकी छोटे से फुटबॉल ले जाके गार्डन में थोड़ी देर खेलता हूँ, हो सकता है इसको अच्छा लगे और तब तक दिव्या को भी टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। मेरा नाश्ता रेडी है, अंडा पाव विद बेक्ड बीन्स, थैंक यू। सही लग गया हमें इसको ये वाला। तो इसका तो यही टेस्ट डेवलप हो जाएगा दिव्या, तीन चार बार खाएगा ना कीचू का तो टेस्ट डेवलप हो जाएगा। टेस्ट दिक्कत हम लोगों की है, समझ गए, हम लोगों का भी टेस्ट डेवलप। फिर ठीक है, क्या कर रही थी? हाय अर्जुना, कैमरा पलट जाती है तू, अभी बोली थी कबाड़े कबाड़े पेपर वाले कबाड़े मम्मा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इसको वो याद होगा ना, स्वस्थ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने वादा। भाई इमोशनल हो रहा है, इसको दिल्ली की याद आ रही है। यहाँ मैं बना रहा हूँ सौंफ डाल के चाय, पता नहीं कैसी बनेगी, देखते हैं। इधर हमारा फेवरेट पास्ता बनने वाला है बेजिल सॉस में। किचू को पकड़ लो, किचू को पकड़ लो, पकड़ लिया किचू को पकड़ लिया। तो भाई जी वही वाला पास्ता बन रहा है जो उस दिन बना था, जिसकी रेसिपी काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी और वो देखी भी है। बट अगर आपने नहीं देखी तो दिव्या के पेज पे है, वेरी सिंपल एंड डिलीशियस एंड वेरी इजी टू मेक। और मैं ये बताना चाहूँगी कि लोग बोलते थे पाइन नट नहीं मिलते, वो बेसिकली चिलगोजा बोलते हैं ना, हाँ। या नेजे, पंजाबी में नेजे, हाँ। भी बोलते हैं, तो ये वही है बट ये थोड़े छोटे है, हमारे वहाँ पे इंडिया में लंबे लंबे होते। करेक्ट करेक्ट, तो ब्राउन ब्राउन करके तोड़ के खाते हैं, हाँ, बड़े सही होते हैं। तो ये पाइन नट उनको ही बोलते हैं। ऑलिव ऑयल में फ्राई कर रही है हल्का सा, हाँ। अभी पूरी रेसिपी फिर से नहीं शूट कर रहा मैं, वो इसके चैनल पे ऑलरेडी है, लिंक आप डाल दो, लिंक इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। इतने जबरदस्त बनता ना ये पास्ता, मतलब और जल्दी से बन जाता, मतलब ऐसे 2-3 मिनट में। तो दिव्या बस अभी लाइब्रेरी के लिए निकलने वाली है, क्योंकि वो मैंने उसको बोला कि तो फोकस करके पढ़ वहाँ जाके, हो सकता है ज़्यादा जल्दी तेरा काम खत्म हो, क्योंकि घर पे क्या ना कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होती ही रहती है। आई थिंक शी नीड्स टू गिव सम डेडिकेटेड यू नो फोकस टाइम टू स्टडीज़। अभी उसका एक असाइनमेंट ड्यू है कल परसों में और एक असाइनमेंट 24th को। अरे यार कीचू ने परेशान किया हुआ, पता नहीं कहाँ छुप जाता है बार बार कीचू। ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म। कैसा दिख रहा है? जो फोक है ना बच्चों के लिए ही है, और इसको नर्सरी में ना सिखाते हैं कैसे खाना है, तो ऑलरेडी वो स्टेज से गुजर चुका है, तो अभी नोज कि फोक को कैसे यूज करना है। शार्प एजेस नहीं है, ये बच्चों के लिए बनाया है। अभी भी वैसे ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं फ़ोन उठाता हूँ या तो 2:40 हो रहे होते हैं या 2:04, 4:20, 4:02, अभी भी मतलब एंजल नंबर हमें दिखते हैं। हम तो एंजल नंबर ही मानते हैं भाई उसको, मतलब टू बी ऑनेस्ट। और ये भी हमारा एंजल है एक। चलो खींचो, दिव्या निकल रही है अभी पढ़ने और मैं खींचो के साथ फुटबॉल खेलने वाला हूँ क्योंकि धूप निकली हुई है। कीचू फुटबॉल फुटबॉल।
फुल ऑन धूप निकली हुई है यहाँ पे। घर के पीछे ये जगह है एक, ये है द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक आर्ट कलेक्शन, और ये हमारे आर्टिस्ट सबसे बड़े। और बहुत हलचल है, मेरे को बाहर निकल के समझ आता है कि अच्छा कॉलेज शुरू हो गया है, क्योंकि मेरा सेमेस्टर तो 31st को शुरू होगा अब अगला। कितना मज़ा आता है जब दोस्त बहुत दिनों बाद मिलते हैं। बट एनी वे, सो अर्जुना कीचू को लेके जा चुके हैं पार्क में पढ़ाई पार्क में खेलने, और मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने लाइब्रेरी के अंदर। देख सकते हो धुंध, बहुत धुंध है भाई, ओस जमी हुई है बेसिकली। मम्मा गई पढ़ने। कीची कहाँ गया, कीचू कहाँ गया, कीची खाने से क्या उसको सुलाना आसान हो जाता है, और थोड़ा अच्छा ना फ्रेश एयर भी मिल गई। एनीवे ये जग होता है, इसका फ़िल्टर मैंने चेंज किया है, ये फ़िल्टर है, ये निकाल दिया पुराना वाला, नया वाला लगा दिया, बाकी अब नए ये ख़त्म हो गया। 3 फ़िल्टर मैंने इसके साथ लिए थे, अब 2-3 मेरे को और मंगवाने पड़ेंगे अमेजोन से। बस अभी मम्मी पापा से बात कर रहा था, क्योंकि उनका सोने का टाइम हो जाता है ना इस समय, 10 बजे तक लोग सो जाते हैं, तो बात हो गई है मेरी, और कीचू भी सो रहा है इस समय, तो मैंने कहा नीचे आके फटाफट पास्ता खा लिया जाए, क्योंकि आधे घंटे में उसका उठने का टाइम हो जाएगा। पहले मुझे दिव्य से, जब दिव्य ने ये बनाया था ना, मैंने कहा ये कैसी शेप है पास्ता की, उसने कहा खा के देखो, मतलब होता तो सेम ही है, बट इसकी जो सॉस है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। वैसे ये ठंडा भी खा सकते हैं, लेकिन मैं गरम खाना प्रेफर करता हूँ ज़्यादा, मोस्टली पढ़ रहा हूँ बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट, तो उसमें जॉर्डन में एक जगह है जो कि ऐसा आपको लगेगा कि मार्स में आ गए हो, और वहाँ पे ना पॉड्स बना रखे हैं, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरी जिन्होंने प्लानट पे हो। तो मुझे आई वॉन्ट टू गो देयर एंड विज़िट कि कैसा एक्सपीरियंस होगा, पूरा ऐसा लग रहा है कि लिटरली ऐसा रेड रेड फीलिंग है पूरी, ऐसा लगेगा कि लिटरली मार्स में आ गए हो। हाँ जी ब्रो, क्या हाल चाल, क्या चल रहा है ब्रो? अभी बस मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, वो वर्क्स इन एन एजेंसी, तो उनके साथ मैंने काफ़ी सारे यू नो प्रोजेक्ट्स किए हैं। इनफैक्ट एक साउथ इंडियन फिल्म का भी मैंने म्यूज़िक किया था, बट वो रिलीज़ नहीं हुई फिल्म कोविड की वजह से, फिर वो डिले होता गया। एनीवे अभी वही कुछ प्रोजेक्ट्स की बातें चल रही थी, और एक्चुअली हुआ ये कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमारे कन्फर्म हो गए थे लास्ट मंथ, बट फिर वो कीचू बीमार हो गया था और दिव्या की सबमिशन थी, तो आई हैड टू बैक आउट फ्रॉम देम, तो वो मैं कर नहीं पाया। और वो ना इंडस्ट्री में अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती, मतलब अगर आप बैकआउट करते हो प्रोजेक्ट से कंफर्म करने के बाद तो ठीक नहीं माना जाता, बट मैंने उनको बोला कि मेरे सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं कि मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा, तो कोई बात नहीं, वो तो हो गया। बट अभी वी आर डिस्कसिंग कि नेक्स्ट जो अभी आने वाले दिनों में मेरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्या क्या पॉसिबल है, तो उस हिसाब से देन आई विल बी वर्किंग ऑन अ फ्यू ट्रैक्स। कीचू महाराज इज अप। इसको ऑन ऑफ करके ना इसने पेयरिंग मोड पे डाल दिया है। हाँ यार, ये है मेरी लाइब्रेरी की। उठ चुका है और अड्डू अड्डू कर रहा है, मतलब आप समझिए ना क्या चाहिए इसको, तो कुछ खाने का अरेंजमेंट करते हैं इसका। हाय फ्लाइंग किस का, वेरी गुड भाई। स्पीचो टोपी में स्मार्ट लग रहा है कि नहीं बता दो, मुझे तो लगता है कि स्मार्ट लग रहा है, मैं अच्छा नहीं लगता हूँ टोपी में, मैं कभी नहीं टोपी पहनता, बट ये तो प्यारा लग रहा है, प्लेयर लग रहा है एकदम, ये ऐसा लग रहा है अभी फुटबॉल खेल के आया है। मैं और कीचू एक राउंड और खा रहे हैं पास्ता का, थोड़ा वार्म है एकदम, तो आखिर हम इससे पूछते हैं ये खाना है, तो ये खुद ही बता देता है हाँ या ना। अभी 9 बज चुके हैं, 3 घंटे से मैं कीचू के साथ खेल रहा हूँ, मज़ा भी आ रहा है, लेकिन मैं भी थक गया हूँ, मुझे लग रहा है वो भी थक गया होगा, और 3-3.5 घंटे हो चुके हैं, खाना पीना उसका हो गया, अब दिव्या का मैसेज आया कि शी इज़ ऑन द वे, तो वो आने वाली, उसके बाद फिर एक डिनर करके आई थिंक 1-1.5 घंटे में फिर इसका सोने का टाइम भी हो जाएगा।
अभी खेल रहे पूरे घर में तहस नहस हो चुकी है, खिलौने ही खिलौने। मैं वापस जा रही हूँ, मुझे आज एक अपना मॉड्यूल ख़त्म करना था, वो मैंने कर लिया है। अगर अर्जुना नहीं देखते अभियुक्त को तो मैं वॉच नहीं कर पाती। आई थिंक कल सुबह सुबह तक करना था बट मैंने अभी कर लिया है, तो अच्छा लग रहा है। बहुत ठंड है और मुझे बहुत ठंड लग रही है, और मैं भाग के जाऊँगी अब घर। वो मेरी लाइब्रेरी है, मैं वहाँ बैठ के पढ़ रही थी। रात के बज रहे हैं 9। ओ बाप रे, इतनी ठंड है भाई। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ लिविंग हियर इज कि सब कुछ आसपास है। ओके भाई, बीच बीच में अर्जुना से बात हो रही थी कि कीचू कैसा है, क्या कर रहा है, तो सो लिया था वो, और अब मैं जाके देखती हूँ उसने क्या क्या खाया है। ऐसे नर्सरी में डे होता ना, वैसे था, बट टीचर की जगह मैं था आज। ये बताता हूँ क्या बताना है, क्या कि कैसे बोल रहे बता दे, अभी बता क्या अबे छोड़, कहाँ जा, छोड़ कहाँ, कह रही है कहाँ, कह रही है हरकतें तो देखो अपनी, मैंने कहा फाड़ी हो रही है, आर आ गया इसका, अपनी हरकतें तो देख ले, ऐसा बोल रही है, हरकतें बोला तूने। आज का कोड है हरकतें, ठीक है। तो साउंड के साथ लिखना है, वो आप कैसे लिखेंगे बताओ। आर ठीक से लिखना, वो ऐसा लगना चाहिए कि हरकतें नहीं हरकतें, ओके। ये इतने पंगे लेती है ना ये। क्या है, बंद करना इसको, क्योंकि ना जानबूझ के पंगे ले रही है, ये जानबूझ के पंगे ले रही है, मेरे सामने ब्लॉग देख रही है हाफ स्पीड पे, और मैं इसको बोल रहा हूँ इरिटेट मत कर, नॉर्मल स्पीड पे देख ले। आप सब लोग अपना ध्यान रखो, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसको बोला मेरा मजाक उड़ा रही, अपना पार्ट देख धीरे करके। जब भी घूमर आता है ना तो मेरी गोदी में आ जाता है कि मम्मा चलो डांस करो। चून ये हाथ बहुत ठंडे हैं, टच मत कर। बहुत ज्यादा अलग लेवल का लगा रहा है, काट रहा है कि फिर से, देखिए फिर से काट रहा है। छोड़ पापा। 12 बजने वाले रात के, यहाँ पे कीचू की परफॉर्मेंस चल रही है। सबकी परफॉर्मेंस चल रही है भैया। हमारा डिलीवरी वाला ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बस हमने डोसा मंगवाया, फिर से मेरी ना क्रेविंग हो रही थी, मैंने कहा डोसा खाते हैं, दिव्य भी लेट आई थी भाई, वो नीली लाइट में ना गलत लग रहा है। रुक जा, लाइट चेंज कर। क्या रील देख ली क्या तूने कोई? हाँ बहुत चल रही है, बनाऊंगी मैं।
अच्छा हाँ, तो हमने ना डोसा ऑर्डर करा है वहीं से जहाँ से उस दिन किया था। तो मैंने उस दिन मसाला डोसा था, मेरे को ना मसाला अंदर डाल के जब डोसे में देते हो ना मेरा आधा टेस्ट वहीं खत्म हो जाता है। तो उस दिन मैंने मसाला डोसा मंगवाया था, हालांकि हमने लिखा था कि मसाला अलग डालना, लेकिन उन्होंने अंदर डाल के दे दिया था। आज मैंने प्लेन डोसा मंगवाया है, अभी तक हम वेट कर रहे हैं, अभी तक आया नहीं है, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, शायद उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कुछ। क्या है तेरे? बहुत भूख लगेगा तेरे को। कौन सी सुर थे भाई ये? कीचू ने ड्रम फेंक दिया उस चक्कर में, कह रहा इतना बेसुरा सिंगर मैं नहीं बजा सकता इसके साथ ड्रम। यहाँ पे जोमैटो नहीं है, डिलीवरू करके मेरे को बोलियो ये ट्रेंड करने की। तू कर नहीं साथ में ऐसे देख। ये लड़कियों का है यार, मैं थोड़ी नहीं लड़के नहीं है ताजी लोग में लड़के भी कहते हैं, तो बड़े चौड़े हो कैसे, मेरे को नहीं करना है ऐसी गंदी चीज़। उसके बाद ऐसे मैं देखो बंदा आया कि नहीं। आ गई भाई गाड़ी आ गई। नो नो देयर इज नो कोड, देयर इज नो कोड राइट। थैंक यू। इसमें डोसा है? अबे है कि नहीं डोसा इसमें? डोसे के साथ साथ मैंने पराठा मंगवाया मालाबारी और करी। दिव्या लेके खींचू को सुलाने के लिए मैं आ चुका हूँ, अज्जू काका की ड्यूटी, बर्तन मांजेंगे, उसके बाद मैं और दिव्या बैठ के एक पियेंगे बढ़िया से चाय। घर की सफाई हो चुकी है, यहाँ दिव्या ने कपड़े डाल दिए सूखने के लिए, बर्तन मैं धो चुका हूँ, कोई बात नहीं हो जाएगा, ये कर लेंगे चाय पी के। ये सारे कपड़े तय हो रखे हैं, ठीक है, तो ये साफ ही एक तरह से गंदा मत समझना इसको। तो भाई हम लोग जा रहे हैं अभी मेरे रूम में बैठ के चाय पियेंगे, और आज का व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, और आई होप आपको अच्छा लगा आज का दिन। चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, सी यू टू। यहाँ पे आके हमारा स्ट्रगल होता है हर बार गेट खोलने के। Bye-bye. On my skin.